जड़ दिया। हिरणा बेटा, ये तूने क्या किया? बेटा तुझे कोई अंदाजा भी है कि वो लोग कौन है? अरे वो त्रिलोचन सिंह का बेटा है, बड़े बाप की बिगड़ी हुई औलाद। अरे बेटा उसका बाप पूरे शहर को चलाता है, तू उसके बेटे को चाटा मार के चली आई। बेटा ये तूने क्या किया? मुझसे बदतमीजी कर रहा था पापा, मेरी हाथ पकड़कर मुझे अपनाने की बात कर रहा था वो। हाँ अंकल, ये सही कह रही है, 2-3 दिन से इसके पीछे पड़ा है वो। एक दो बार तो मेरी हाथापाई होने से बच गई। अब आप ही बताओ पापा, मैं क्या करती? अगर मैं ऐसा नहीं करती तो उसकी हिम्मत और बढ़ जाती। अरे बेटा तुम लोग बच्चे हो, अभी तक बच्चे हो, तुम्हें समझ में नहीं आ रहा है कुछ। अरे बेटा ऐसे लोगों के गुरु हमेशा सातवें आसमान पर होते हैं। भगवान है भगवान, जब उसके बाप को पता चलेगा तो मालूम नहीं क्या होगा बेटा। तो क्या पापा, गलती अमित सिंह की है, मेरी जगह खुद त्रिलोचन की बेटी होती तो? नहीं बेटा, वो लोग कभी भी हमारी जगह पर नहीं हो सकते बेटा, कभी नहीं। बेटा तू जानती नहीं वो लोग कौन है और कैसे हैं। अब एक काम करना बेटा, अब चुप रहना और वो अमित सिंह से दूर रहना, बाकी सब मैं संभाल लूंगा, जा। त्रिलोचन, नहीं नहीं रामुलगार, ये क्या कह रहे हो आप? तुम्हें समझ भी है, मेरा बेटा ऐसा कर ही नहीं सकता, बिल्कुल नहीं। मालिक, मालिक त्रिलोचन जी आप हमारे माई बाप हैं, देखिए हमारी बेटी आपकी बेटी जैसी है ना। मालिक, मालिक मेरी बेटी को बचा लो, आपके बेटे अमित से मेरी बेटी को बचा लो, मैं आपका हाथ छोड़ता हूँ मालिक। देखिए देखिए ये घर का मामला है, अगर घर में ही सुलझ जाए तो बेहतर होगा। रामुदगार आप कहना क्या चाहते हो, मेरी पैदाइश नकारा है, यही कह रहे हो ना आप? नहीं ना, मेरा बेटा ऐसा कर ही नहीं सकता। नहीं मालिक मैंने ऐसा। लेकिन फिर भी समाज में आपकी इज्जत है, इसलिए मैं आपके लिए बात करता हूँ एक बार, ठीक है? पर ये मत भूलिएगा ये सब मैं आपके लिए कर रहा हूँ, जा सकते हैं आप।